हेलो एंड वेलकम टू हैटी कर्नर्स। हैटी कर्नर्स के आर्ट एंड क्राफ्ट कर्नर में आप सबका स्वागत है। आज हम एक सुंदर सा मिकी माउस का पेंटिंग करेंगे। इस तरह के पेंटिंग आपको इजीली इंटरनेट में फ्रीली मिल जाते हैं। आप कोई भी एक ड्राइंग ले सकते हैं और उसे कपड़े पर ट्रेस कर लें। आपके मनपसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं आप। और कलर्स को मिक्स करने के लिए यहाँ पर मीडियम 1 का यूज करेंगे। कलर्स के साथ हम 2:1 करके मीडियम का मिक्स करके कलर को थोड़ा लिक्विडाइज करेंगे। आपको दो ब्रशेस चाहिए, 2 to 6 के अंदर कोई भी एक ब्रश ले लें। मैंने यहाँ पर नंबर 3 लिया है और एक फाइन ब्रश लिया है मैंने 00 का। आप 0 से 000 तक कोई भी फाइन ब्रश या फिर लाइनर ब्रश ले सकते हैं। ब्रशेस को धोने के लिए पानी चाहिए और कलर पैलेट या फिर प्लेट ले लें कलर मिक्सिंग के लिए। एक वेस्ट क्लॉथ आपको चाहिए ब्रशेस को पोंछने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे हम ये पेंटिंग करते हैं। मैंने ये वाला स्टैंड बनाया था एम्ब्रॉयडरी के लिए। मैंने कैसे ये स्टैंड बनाया है आप वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। इसको मैं पेंटिंग के लिए भी यूज करती हूँ। फ्रेम पकड़ने की टेंशन नहीं, आराम से आप कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टैंड के साथ ही कर सकते हैं। आप विदाउट स्टैंड भी बस फ्रेम को इस तरह से कपड़े पर लगा के पेंटिंग कर सकते हैं। तो मेरे पास स्टैंड है तो मैं उसका यूज कर रही हूँ। और कपड़े को टाइटली सिक्योर कर लें। देखिए हमारा कपड़ा फ्रेम पर एकदम अच्छे से फिक्स हो चुका है। अब ये पेंटिंग के लिए रेडी है। तो स्किन कलर के लिए आप ऑरेंज कलर में व्हाइट कलर का मिक्स कर लें और जितना आपको डार्क या लाइट चाहिए आप उस हिसाब से स्किन कलर बना सकते हैं। अगर आपके पास ऑरेंज नहीं है तो फिर रेड एंड लेमन येलो को मिक्स करके उसमें फिर व्हाइट मिक्स करके कोई भी शेड आप दे सकते हैं। देखिए कितना आसान है स्किन कलर बनाना। मैंने ये सब कलर मिक्सिंग आपको पहले भी सिखाया है। आप प्लेलिस्ट में जाके कलर मिक्सिंग का फॉर्मूला सब आराम से देख सकते हैं। तो लीजिए हमारा स्किन कलर रेडी है। तो मिकी माउस के फेस को हम स्किन कलर दे देंगे। मिकी माउस के बहुत सारे डिजाइंस आपको इंटरनेट में इजीली मिल जाते हैं। आप कोई भी एक डिजाइन लेकर डाउनलोड कर लें और उसे प्रिंट कर लें। उसके बाद उसको कार्बन पेपर की हेल्प से कपड़े के ऊपर ट्रेसिंग कर लें। फिर मनचाहे डिजाइन आप बना सकते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बाकी आप अपने मनपसंद के कलर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि स्किन कलर कैसे होता है वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। अब कपड़े के लिए आप कोई भी कलर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लाइट ब्लू कलर लिया है और उस पर व्हाइट का मिक्स करके मैं इसे अलग अलग शेड बना सकती हूँ। जैसे डार्क ब्लू या फिर लाइट ब्लू कलर आप कर सकते हैं। तो मिकी माउस के टी सेट को मैं ब्लू कलर कर लूँगी। कुछ हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए जो लाइट ब्लू कलर होता है उसकी तरह। आप अपने पसंद का कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरे टी सेट को पहले कलर कर लिया है। और चिंता मत कीजिए, आप पूरा कलर करने के बाद भी आपके जो लाइंस हैं अंदर वो नहीं छिपेंगे। यानी कलर जैसे ही थोड़ा सूख जाएगा आप उन लाइंस को इजीली देख पाएंगे। तो लीजिए इस तरह से टी शर्ट को थोड़ा लाइट और पेंट को थोड़ा सा डार्क करके हमने कलर कर लिया।
अब ग्लव्स की बारी। ग्लव्स और पैड जो है वो व्हाइट ही रखेंगे और व्हाइट कलर को लेके हम ग्लव्स को या फिर हाथों को व्हाइट कलर पेंट कर लेंगे। अगर आपको लगे कि कलर थोड़ा सा कहीं पर छूट गया या फिर पूरे लाइंस में कलर नहीं लगे हैं, तो आप फर्स्ट कोट सूखने के बाद दूसरा कोट दे सकते हैं, या फिर कलर को अगर आप थोड़ा गाढ़ा रखेंगे तो आपको सेकेंड कोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लीजिए, हमारा ग्लव्स अब रेडी है, पेड्स भी व्हाइट कलर कर लेते हैं। पूरा का पूरा आउटलाइन कवर करते हुए आप इस तरह से कलर कर लें, और जैसे ही हमारा कलर सूख जाएगा तो अंदर जो लाइन्स हैं वो अच्छे से दिखाई देने लगेंगे। उनके ऊपर हमें ब्लैक कलर करना है। अब टी शर्ट में थोड़ा जो इनसाइड पोर्शन है उसके लिए मैंने थोड़ा व्हाइट कलर मिक्स करके लाइट कलर बना के कलर दे दिया। अब रेड कलर की बारी। ये ओनली रेड है, क्रिम्सन रेड जो है उसको मैंने लिया है। आप कोई भी एक्रिलिक कलर ले सकते हैं जो हम फैब्रिक पेंटिंग के लिए या फिर कपड़ों के लिए यूज करते हैं, वो एक्रिलिक कलर आप इसमें यूज कर सकते हैं। मिक्की माउस का टोंग, उसका केप हम रेड कलर कर लेंगे। जरूरी नहीं कि मैं जो कलर कर रही हूँ आप वही करें, आप अपने पसंद के कलर भी ले सकते हैं। अगर आपको यही कलर पसंद है तो इजीली आप इसको पेंट कर सकते हैं। बूट का कुछ हिस्सा भी मैं रेड कलर कर दूंगी। कुछ चटकदार कलर का यूज करने पर अगर आप इस तरह के पेंटिंग बच्चों के लिए बना रहे हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, इसलिए कोशिश करें कि थोड़ा सा डार्क कलर का यूज करें। तो जो शू है हमारा मिक्की माउस का, उसको हम रेड, लेमन येलो एंड थोड़ा सा व्हाइट लेकर कलर कर लेंगे। बॉल को भी लेमन येलो एंड ब्लैक कलर कर देंगे। अब जो फाइन ब्रश है उसकी हेल्प से हम छोटे छोटे एरिया को कलर करेंगे। इस तरह से मैंने आईज को कलर कर दिया, और जो स्मॉल एरिया है लाइक बूट का जो निचला पोर्शन है, बॉर्डर है, उसको फाइन ब्रश से ही कीजिए। आप 2-6 के अंदर ब्रश ले सकते हैं जो कि थोड़े से ज़्यादा जो बड़ा या फिर चौड़ा एरिया है उसको कलर करने के लिए। आप चाहें तो यहाँ पर फ्लैट ब्रश का भी यूज कर सकते हैं, पर नॉर्मली राउंड ब्रश से ही हम पेंटिंग करते हैं। और लीजिए, ब्राउन कलर का दो सेट बनाकर हमने बेट बना लिया। अब थोड़ा सा व्हाइट एंड रेड कलर मिला के मैं केप को डिजाइन कर दूंगी या फिर सेट कर दूंगी। अब ब्लैक कलर की बारी। मिक्की माउस का बॉडी पार्ट जो है वो ब्लैक कलर का होता है, तो सारे बॉडी पार्ट को हम ब्लैक कलर से कवर कर लेंगे। ये डिजाइन आप अगर बच्चों के टी शर्ट पर करें या फिर उनके टॉवल के कॉर्नर पर करें तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो उनके रूम का जो कुशन कवर है या फिर उनके लिए अगर बेडशीट बना रहे हैं तो वहां पर ये
मिकी माउस का, इस तरह का कोई भी मिकी माउस का पेंटिंग आप करते हैं तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अब देखिए हमारा कलर अब सूख चुका है तो सारे लाइंस हमको इजीली दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम एक फाइन ब्रश लेकर सारे लाइंस के ऊपर आउटलाइन बनाते जाएंगे। जो भी हमने पूरा का पूरा कवर करके कलर कर दिया था, सूखने के बाद वो सब लाइन अच्छे से दिखाई देने लगते हैं। तो बस इजीली आप उन पर ब्लैक कलर का आउटलाइन चलाते जाएं। बच्चे हो या फिर बड़े, मिकी माउस तो सबको पसंद आता है। और बस सिंपल से मिकी माउस का डिजाइन बनाकर आप अपने बच्चों के लिए सुंदर सुंदर टी शर्ट, सुंदर से कुशन कवर्स या फिर पीलो कवर्स, बेडशीट्स बना सकते हैं। अगर बच्चों का लंच बॉक्स है, बैग है जो कि प्लेन कलर का है, तो उसके ऊपर भी आप इस तरह से एक छोटा सा मिकी माउस का पेंटिंग कर दें, बहुत खुश हो जाते हैं। फाइन ब्रश लेकर आप ये सारे के सारे आउटलाइंस बना लें। और बस देखते ही देखते आपका मिकी माउस तैयार हो जाएगा। तो जब भी आप फैब्रिक पेंटिंग करें तो पेंटिंग के बाद 24 घंटा यानी एक दिन सूखने के लिए छोड़ दें, उसके बाद उल्टे साइड से आयरन करें और आपका डिजाइन रेडी टू यूज हो जाएगा। और हाँ, ध्यान रखें इसे 7 दिन के बाद आप धो सकते हैं। उससे पहले अगर धो लेते हैं तो आपके डिजाइन खराब होने के चांसेस हैं। इतनी मेहनत करें तो फिर कोशिश भी करें कि इसे लाइफ लॉन्ग ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू।